हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ती पे। दोस्तों, तो चलिए अभी जो है इस मार्च अप्रैल मई जून ये जुलाई अगस्त तक जो है बहुत जो है हमारे बिहार का बहुत दुर्भाग्य खराब मंथ चलता है। इस मंथ में ज़्यादातर आग लगती है, आग जाने की कहानी होती है। चलिए तो इसी तरह देखिए, अभी हमारे पड़ोस में जो है दो दिन पहले बहुत भीषण जो है हमारे गांव में 10 दिन पहले तो भीषण आग 2 बार लग चुका है, तो उसमें तो बहुत क्षति हुआ है। तो उसके बाद अब खबर आ रहा है कि 2 दिन पहले जो भीषण आग जो है हमारे गांव के बगल में महानपुर गाँव है जो डंडारी प्रखंड में पड़ता है, तो वहाँ पर डंडारी क्षेत्र में है, तो वहाँ पे भीषण जो है बिहार में आग लग गया। और नहीं सॉरी, ये डंडारी में नहीं, ये बखरी प्रखंड में ही मोहनपुर में लगा है, तो वहाँ पे लगा था। तो चलिए वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं कि बिहार में पूरा गेहूँ अभी पूरा एकदम जो है सूखा पड़ा हुआ है गेहूँ, और खेत में आग लग गया। कैसे लगा नहीं लगा मुझे तो आइडिया नहीं है, और खबर अभी तक तो हमको पता नहीं चला, लेकिन वीडियो सामने आया है, फोटोज सामने आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत जो है नुकसान हुआ है फसलों का। तो मैं जिला पदाधिकारी से, प्रखंड पदाधिकारी से और वहाँ के जनप्रतिनिधि से विनती करता हूँ हाथ जोड़ कर कि उन जितने मजदूर को सॉरी जितने किसान को नुकसान हुआ है उन्हें राहत दे, राहत कोष से दे। आखिर देकर ही क्या फायदा होता? राहत कोष में कुछ रहता है, पैसे रहता है, लेकिन दिया कितना जाता है? राहत कोष में जो आगजनी में अगर घर जलता है तो उसको 95,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन उसमें से किसी को 10,000 दे करके सारा रुपया गबत गोल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है पता नहीं। तो जितने भी राजनेता हैं, अगर ऐसा आगजनी होती है तो प्लीज आप जो है उसी इस तरह से बिहेव मत कीजिए, उनका जितना हक मिलता है उसे हक दीजिए, दिलवाइए। चलिए तो वीडियो देखिए, सामने है, फोटो भी देख लीजिए, फोटो है और वीडियो देखिए। बहुत नुकसान हुआ है, पूरा जो है गेहूं साफ हो गया, जलकर राख हो गया। देखिए वीडियो जो है देखिए, और इस तरह से ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो आप लोग जो है मदद कीजिए उसे बुताने में, और आपको फैलने से रोकिए। और जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, प्लीज़ कृपया पैसे को दबाइए मत, क्योंकि उस टाइम वो लोग के पास कुछ नहीं होता है, और उन लोग का पैसा हमारे ऐसे ही जो है हमारे गांव में जो कुछ आगजनी हुई थी तो सुनने में आया कि जो है उन लोगों को कुछ राहत कोष में कुछ कुछ दे दिया गया है, जबकि आगजनी के राहत कोष में अगर आग से पूरा घर जल जाता है तो उनको 95,000 रुपया दिया जाता है। अरे 95,000 ना दीजिए, कम से कम उसको 50,000 दे दीजिए ना, बाकी रख लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। तो कुछ कुछ दे करके जो है इधर उधर कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से आग लगा है, बड़ी दुख की बात है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कॉमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, और आप हमें इसी तरह प्यार देते रहिए, और हमें आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और आप लोग का सपोर्ट मिलता है और इस तरह से कमेंट्स आता है, तो हमें भी लगता है कि आप लोगों के बीच जो भी जानकारी इकट्ठा होती है और जो भी जानकारी मिलती है और जो भी जानकारी मेरे पास होती है उसे मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँ और लाता रहूँगा। तो चाहे वो जानकारी हो या फिर स्टडी आती है, अभी तो स्टडी थोड़ा स्टॉप हुआ है और मैं कोशिश में लगा हूँ सारा मटेरियल लाने का, और मैं जो है स्टडी बच्चों का स्टडी भी मैं करवाऊँगा। मैं घर गया था तो बुक लाया था, और अभी फ़िलहाल थोड़ा लेट है, तो मैं चलिए तो आप सबको धन्यवाद करता हूँ दिल से, तहे दिल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल टू ऑल ऑफ यू।